हेलो दोस्तों, हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, या वायरिंग डायग्राम कह सकते हैं, और फिर सिमेटिक डायग्राम। ये तीनों डायग्राम हम लोग बनाना सीख रहे थे, ठीक है, जिसमें से एक दो डायग्राम आप लोग बनाए भी होंगे। एक होमवर्क भी दिया गया था आपको कि कंट्रोलिंग टू लैंप्स विथ इंडिविजुअल स्विच, लेकिन किसी ने नहीं बनाया, करेक्ट। बाय द वे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाए अच्छी बात है, बनाएंगे तो भी अच्छी बात है ना। तो लास्ट में जो क्वेश्चन रह गया था, दो लैंप, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, वो क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ, है ना। आप देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था आपका कि वायरिंग डायग्राम आपको ड्रॉ करना था, ठीक है, वायरिंग डायग्राम और सिमेटिक डायग्राम, सिमेटिक डायग्राम और फिर आपको लाइन डायग्राम, ठीक है, या सिंगल लाइन डायग्राम आप कह सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना था किसका, टू लैंप का, टू लैंप्स कंट्रोलिंग इंडिविजुअल स्विच, ठीक है, टू लैंप्स कंट्रोलिंग इंडिविजुअल स्विच, क्लियर है। मतलब आपका है कि दो लैंप आपके पास में है और दो स्विच दिया हुआ है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम, उसका वायरिंग डायग्राम और उसका सिमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर। चलिए आते देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहला काम क्या होगा, वायरिंग डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपके पास स्विच का संख्या कितना है, दो। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे दो स्विच बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक स्विच और ये हो गया आपका क्या, दो स्विच। इसको एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं, जिसको कि आप बोलेंगे क्या, स्विच बॉक्स। अब ध्यान दीजिए, आपके पास टू लैंप्स है, तो आप इस काम कीजिए, यहाँ पे आप दो लैंप बना लीजिए, दो लैंप हो गया, दो स्विच। अब इसमें क्या करना है, कनेक्शन करना है आपको। तो आप एक काम करिए, यहाँ से आप ये बना दीजिए, ठीक है, ये हो गया। इसके पास भी दो पॉइंट होंगे और यहाँ पे भी आपका कितना होगा, दो पॉइंट होगा, ठीक। अब इसका काम कीजिए, यूं कुछ यहाँ से इसमें दे दीजिए, समझ में आया, क्लियर है। तो दोनों का फेज हमारा क्या हुआ, इंगेज हो गया। आप ऐसा कर लीजिए, इसे इसमें दे दीजिए, आपको बनाने में सहूलियत होगा, इसे इसमें दे दिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, फेज लाना है और फेज एक बोर्ड में देना है और एक न्यूट्रल लाके उसमें देना। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक न्यूट्रल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और न्यूट्रल लाके हम क्या किए, कनेक्शन इसमें दे दिए, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से लेके गए कनेक्शन और इसमें दे दिए, देखिए इसका एंगेज। अब हमें क्या करना है, इस बोर्ड में फेज नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ इस तरह से फेज लाएंगे और इसमें दे दिए, फिर इसी का फेज इसमें कनेक्ट कर दिए। देखिए ये हो गया, यहाँ पे आप कह लीजिए ये SB1 है, SB है मतलब स्विच बोर्ड है, इसको आप कह लीजिए S1, इसको कह लीजिए क्या, S2। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको आप बोल लीजिए L1, इसको आप बोल लीजिए L2, समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं है। ये आपका स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स में हमने दो स्विच लिया, अरे स्विच रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी बॉक्स में आप रखोगे, जिसको कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, स्विच बॉक्स हो गया। इस स्विच बॉक्स में हमने दो स्विचेस लगाए, अब इस दो स्विच से कंट्रोल करना है दो लैंप को, तो एक लैंप इधर और एक लैंप इधर, दोनों लैंप हमने बनाया है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका कनेक्शन बनाना है। तो इसका कनेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फेज जो है डायरेक्ट लाकर कहाँ कनेक्ट करोगे, स्विच में। देखो यहाँ पे आप चाहो तो फ्यूज कनेक्ट कर सकते हो, समझ में आई बात, यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्यूज कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्विच टू से हमने क्या किया, यहाँ मेन जो है आपका ये फेज और ये न्यूट्रल, तो फेज आप ला के किस में दिए, बोर्ड में, क्लियर। बोर्ड में लाने के बाद यही आप कनेक्शन इसमें भी दे दो। कभी आप बोर्ड खोल के देखिएगा, जब आप बोर्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का कनेक्शन होगा, जो नीचे वाला सब होगा ना वह एक में शॉर्ट किया हुआ रहेगा, कॉपर का एक वायर रहेगा, मतलब एक स्ट्रेंथ्स निकाल सकते, बोल सकते आप, स्ट्रेंथ्स रहेगा और उससे क्या करेगा, इसको कनेक्ट कर देगा। उसके बाद जो उसका ऊपरी पोर्शन रहता है, दूसरा जो कनेक्शन रहता है स्विच का, एक स्विच से कनेक्शन हमने इस लैंप में दिया, इस लैंप में दिया L2 में, और फिर इसका इसमें दे दिया, समझ में आई बात, ये हो गया हमारा। देखो उस हिसाब से यहाँ पे नाम अगर करना है तो यहाँ S1 और S2 कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, नाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से कनेक्शन इसमें, यहाँ से कनेक्शन इसमें, यहाँ तक समझ में आया। फिर न्यूट्रल को लाके आपने क्या किया, L1 में दिया, अब इसी से न्यूट्रल आप लेके जाके कहाँ दिए, L2 में दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम।
कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके घर में स्विच है या फिर आप मार्केट से खरीद के ले आइएगा, दो स्विच, एक छोटा सा बॉक्स, दो बल्ब के लिए ले आइए, है ना, दो बल्ब ले आइए और उसमें आप कनेक्शन करके देखिए कि क्या वर्क कर पा रहा है कि नहीं। इस तरह से आप अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो क्या वर्किंग में है कि नहीं है, समझ में आएगा, तो आपको होप सो अच्छा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में हमें क्या करना था, बस एक सिंगल लाइन खींचना था। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक स्विच बॉक्स बनाया, यही काम कर रहे थे। अब इसमें स्विच का संख्या कितना था भैया, दो था, ये हो गया हमारा दो स्विच। अब क्या करना है, इधर आप कह लो एक लैम्प, इधर दूसरा लैम्प, यहाँ से कुछ ऐसा लिए, कनेक्शन कुछ इस प्रकार से था आपका, बस एज इट इज़ जो है आपका सेम बना दिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ को आप यहाँ पे उतार दिए, समझ में आई बात, जैसा यहाँ दिख रहा है वही चीज़ आप यहाँ पे उतार दिए। देखिए आप कहिएगा सर यही सिंबल यहाँ भी ले रहे, वही सिंबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप कुछ यूं कर लीजिए, ये L1 और ये हमारा क्या हो गया L2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे सिंगल लाइन डायग्राम, एक सिंगल लाइन तो आपने बना दिया, अब इसमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ वायर जो होगा, कितना वायर कहाँ से गया है, इस चीज़ को क्या करना है, मेंशन करना है, समझ में आई बात। देखिए समझिएगा, इसको मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि ये इसको मैं नोड मान लूँ क्या, यहाँ से सब कुछ एक जंक्शन बॉक्स बना लिया ऐसा कुछ। अब एक यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने क्या किया, एक बॉक्स वहाँ से हमारा मतलब वायर जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब इधर से इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ से इधर, इधर इधर कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थ्री वे जंक्शन बॉक्स, आपको बताया कैसा दिखता होगा थ्री वे जंक्शन बॉक्स, तो यहाँ पे थ्री वे जंक्शन बॉक्स लगा लो, यहाँ पे भी आप थ्री वे जंक्शन बॉक्स लगा सकते हो, है ना, लगा के उसके ऊपर फिर होल्डर वगैरह पुट कर देना आपको, समझे बात को। तो कुछ इस तरह से हमने कंसिडर किया। अब देखिए क्या कहना है कि इस पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट आपका क्या हो गया ये, और दूसरा पॉइंट आपका क्या हुआ ये, और ये तो एज इट इज है, यहाँ से आप ऐसे ले जाओ, बस ये सिंबल दिख रहा है हमें। वायर्ड अगर पाइप ले गए होगे तो कुछ इस तरह से पाइप ले जाना पड़ेगा आपको, यही होगा, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ वायर अगर आप काउंट करते हो तो नंबर ऑफ वायर देखिए, काउंट यहाँ से इधर कितना नंबर है, एक फेज और एक फेज और एक न्यूट्रल, दो वायर है, देखिए दो वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा दो लाइन करोगे, मतलब क्या हो गया, वहाँ आपको ये क्या पता होगा, इस पॉइंट से लेके इधर हमारा कितना वायर गया होगा, दो वायर, कौन कौन वायर गया होगा, फेज और न्यूट्रल, लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन फेज होगा और कौन न्यूट्रल होगा। ये देखने के लिए कि कौन सा फेज होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वायरिंग डायग्राम पे आना पड़ेगा, फिर देखेंगे वहाँ पे, या फिर अगर आपके पास टेस्टर है तो आप टेस्टर से चेक करके फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए फेज हो, कौन सा फेज वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है। अब देखिए आगे समझते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस स्विच बॉक्स तक में कितना नंबर ऑफ वायर है। देखिए एक वायर, दो वायर और तीन वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वायर कितना हो गया, तीन वायर। बोलिए समझ में आया कैसे तीन वायर हुआ, है ना, तीन वायर कैसे हुआ, इस पॉइंट से इसके बीच में कितना है, दो बल्ब के लिए मतलब लोड के लिए, और एक आप डायरेक्ट फेज लाके स्विच में कनेक्शन किए हो, तो ये तीन हो गया। अब देखिए पूछा जाए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना वायर है, कहने का मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना वायर है, एक दो और तीन, तो आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे कितना नंबर लाइन करना है, तीन, समझ में आई बात। अब देखिए इस पॉइंट से लेके L1 के बीच में कितना वायर गया हुआ है, एक तो हमारा फेज आया इसके लिए, दूसरा न्यूट्रल आया, और यहीं से न्यूट्रल लेके आपने क्या किया L2 में ले गया, तो ये कितना नंबर ऑफ वायर हो गया, नंबर ऑफ वायर तीन, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में कितना वायर है, एक और दो, यहाँ पे कीजिए दो, फिर यहाँ पे कितना रह गया, दो, एक और दो, समझ में आई बात क्या, कि सिंगल लाइन डायग्राम में हम लाइन जो नंबर ऑफ वायर जो काउंट कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार खुद से करके देखिए, अगर आप करिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हाँ जैसे पहले लिख लीजिए अपने कॉपी पे ही लिख लीजिए, चार लैंप, दो फैन, तीन फैन, कुछ इस तरह से आप अपने मन से कर लीजिए, विथ इंडिविजुअल स्विच कर लीजिए, क्वेश्चन बनाइए अपने रफ में बना लीजिए आराम से, बट हाँ साफ बनाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर ये सही है या नहीं, मैं करेक्ट करके आपको फिर बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे करेक्शन होगा या आपका सही है। बनाइएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा और आप अच्छा कर सकते हैं, समझे, नहीं बनाइएगा तो फिर भी अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये तो सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, ये हमारा वायरिंग डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डायग्राम का, किसका? सिमेट्रिक डायग्राम। ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक डायग्राम के लिए क्या करना था आपको, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक फेज लिए एक न्यूट्रल लिए, ये मेरा फेज, ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल। लोड कितना है? दो, एल वन और एल टू, और फिर आपके पास में स्विच कितना है? दो। आप क्या करो, यहाँ से एक स्विच बना लो, है ना, कुछ इस तरह से हमने क्या किया, स्विच बना लिया। अब यहाँ पे हमारा लोड बना दिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको आप एस वन बोल लो, ये हमारा क्या हो गया एस टू, ये हो गया एल वन, ये हो गया एल टू। ध्यान से देखो, फेज़ हमारा किस में कनेक्शन रहता है, स्विच में, हमने क्या किया इसे कनेक्ट कर दिया, और दूसरे स्विच से भी फेज में कनेक्ट कर दिया, स्विच का दूसरा एंड बल्ब के एक एंड से कनेक्ट कर दिया, फिर स्विच का जो दूसरा स्विच था उसका दूसरा एंड हमने दूसरे बल्ब के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया, दूसरा बल्ब जो पहला बल्ब था उसका न्यूट्रल हमने क्या किया, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, जो ये एंड था बल्ब का उससे हमने न्यूट्रल से कनेक्शन दिया, फिर ये जो पॉइंट है इसको भी हमने क्या किया, न्यूट्रल से कनेक्शन दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या चीज़, सिमेट्रिक डायग्राम, समझे बात को। तो ये हमारा कौन सा था, सिंगल वायरिंग डायग्राम, ये सिंगल लाइन डायग्राम, और ये सिमेट्रिक डायग्राम, ये तीनों डायग्राम हैं। आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने पास टू बल्ब है, ठीक है, क्या है, टू बल्ब और वन फैन, ठीक, दो बल्ब है आपके पास में और एक फैन है, दो बल्ब एक फैन, और उसे इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल करना है। मतलब ये हुआ कि आपके पास दो बल्ब है, एक पंखा है, और उसको अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना है, समझ में आई बात। अब देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ समझिए, अगर आप दो फैन का कनेक्शन, दो बल्ब का कनेक्शन अगर आप समझ चुके होंगे तो आप फैन का भी कनेक्शन कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन स्विच लिए, क्योंकि लोड अपने पास कितना है, तीन, ठीक, लोड कितना है, तीन है, दो बल्ब वन फैन इंडिविजुअल स्विच, ठीक है, दो बल्ब वन फैन इंडिविजुअल स्विच, मतलब एक एक अलग अलग स्विच होगा। सबसे पहला आप काम अपना क्या है, एक हमने बोर्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे तीन स्विच बना लिए हम लोग, क्योंकि अपने पास लोड कितना है, तीन, तीन लोड है तो तीन स्विच, चलिए ये काम आप कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आप दो बल्ब बना लीजिए, बीच में हम लोग फैन रख लेते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, इसके पास कितना पॉइंट, दो पॉइंट, इसके पास भी दो पॉइंट, इसके पास भी क्या, दो पॉइंट, समझिए, बनाइए एक बार, पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये हम लिंक कर लिए, हो गया आपका। अब क्या करना है, यहाँ से आप फेज लाइए, या सबसे पहला काम कीजिए आप कुछ इस तरह से, ये बना दीजिए, एक का एंड इसमें आ गया, दूसरा कनेक्शन आप क्या कीजिए, फैन में दे दिए, तीसरा कनेक्शन क्या किया हम, ये L1 कर लीजिएगा, ये L2 कर लीजिएगा, ये F कर लीजिएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए S1, यहाँ कर लीजिए S2, और ये कर लीजिए S3, ये हो गया हमारा SB, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई समझने में परेशानी नहीं हुई होगी आपको, क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक फेज लेके आते हैं, और एक फेज लाकर हमने यहाँ पे दे दिया, बताओ फेज जो जहाँ पे फेज लगाना था, जिसे फेज से कनेक्ट करना था, क्या वह कम्प्लीट हो गया आपका। अब हमें बच रहा है किसका, न्यूट्रल लाना, फेज तो सभी को मिल गया ना, सब के सब एनर्जाइज हो चुके हैं, ठीक है, अब न्यूट्रल मिलेगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल लेके आते हैं, न्यूट्रल के लिए हमें क्या करना है, एक कनेक्शन आप यहाँ से लेके आइए, ठीक, ये इसमें कनेक्शन दीजिए, यहाँ से कनेक्शन लेके आइए इसमें दीजिए, और यहाँ से कनेक्शन लेके आइए
और इसमें दीजिए, बताइए कोई दिक्कत कहीं से, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्या? देखो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग लूपिंग कनेक्शन कहते हैं, लूपिंग, ठीक है, लूपिंग या लूपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे आपको हम कि किसको लूपिंग बोलते हैं, कहाँ सीरीज होगा, कहाँ पैरेलल होगा, कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा जो कनेक्शन हम लोग सीख रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, लूपिंग में। तो आपको पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्टिव में कि घर में जो हम कनेक्शन करते हैं वो किस कनेक्शन में होता है, तो लूपिंग कनेक्शन में होता है। पैरेलल में तो होता ही है, घर में कनेक्शन सारा का सारा इक्विपमेंट हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद का बात बोला जाए कि कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो लूपिंग सिस्टम यूज होता है। एक होता है ट्री सिस्टम, बताएंगे आपको, तो लूपिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। तो लूपिंग सिस्टम यही होता है कि एक का न्यूट्रल दूसरे के न्यूट्रल से, दूसरे का न्यूट्रल पर तीसरे के न्यूट्रल से हमारा क्या होता है, लिंक रहता है। जस्ट लाइक ए मानव श्रृंखला, जैसा कि आप देखे होंगे एक हाथ दूसरा कोई मतलब पकड़े हुए, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, कुछ इस तरह से सब एक दूसरे का क्या होता है, हाथ पकड़े हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से न्यूट्रल हमारा क्या होता है, बना हुआ होता है। ये न्यूट्रल देखिए अनब्रेकेबल है, घर में हमारा जो न्यूट्रल होता है अनब्रेकेबल होता है। कहने का मतलब कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो ब्रेक कहीं है ना। जैसे फेज में हम देखते हैं, देखो इसका फेज इसमें अलग दिए, इसका फेज हम इसमें अलग दिए, इसका फेज अलग दिए, तो सबका फेज जो है हम क्या किया, अलग किए हैं। लेकिन न्यूट्रल के टाइम में हम क्या किए, एक में न्यूट्रल दिए मेन से लाए, एक में न्यूट्रल दिए और इसी न्यूट्रल से उठा के दूसरे में कर दिए, दूसरे का उठा के तीसरे में कर दिए, कुछ इस तरह से, समझे बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फेज, ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, फ्यूज, या आपको सर्किट ब्रेकर लगाना है तो सर्किट ब्रेकर आप लगा लीजिए, जो आपको इच्छा करे। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर होगा, एसपी जिसको बोलते हो, एसपी एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी। तो उसमें जस्ट दो ही कनेक्शन होते हैं, आपको दो पॉइंट बने हुए मिलेंगे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, एक इधर एक इधर। तो ये जो एस पी एम सी बी होगा वह फेज में कनेक्ट होगा, लेकिन आप इसी के जगह पे आप डी पी एम सी बी यूज करते हैं तो फेज और न्यूट्रल दोनों में कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पे हमारा कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे रहेगा, इसमें इसमें इधर से दो फेज आएगा और इधर आगे जाएगा, मतलब दो इधर और दो इधर, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन आपको बना, स्लॉट बना हुआ रहता है। जब आप खरीदेंगे एमसीबी ना तो उसमें देखिएगा बना हुआ आपको मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम, ये क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम, क्लियर, समझ में आया क्या, आराम से इसको, अगर ये दिख नहीं रहा है आपको तो इसको आप डॉटेड लाइन में भी बना सकते हो इसको, ठीक है, सॉलिड नहीं बना के डॉटेड लाइन में बना लो, समझ में आया। फेज मैंने क्या किया, स्विच का एक दिया, इस स्विच से S2 में कनेक्ट किया, S2 से S3 में कनेक्ट किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्विच का जो दूसरा एंड है, सारे स्विच का S1 S2 S3 का जो दूसरा एंड है सबको कनेक्ट कर दिया हमने क्या, लोड से। अब क्या किए फिर लास्ट में, न्यूट्रल को ला के लोड में दिए, लोड के न्यूट्रल से उठा के फिर क्या किए हम, सिक्वेंस कंटिन्यू बनाते चले गए, क्लियर। अब बात आती है किसका, सिंगल लाइन डायग्राम का। देखिए सो सिंपल, सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, तीन स्विच बनाया और कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, लैम्प, ये हमारे पास क्या है, फैन, और ये हमारे पास क्या है, लैम्प। ये कुछ हमने क्या किया, बना दिया इस तरीके से, ये L1 L2 ये F, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस बाकी आगे लाइन इधर बना दिए। अब आप क्या करिए, मैच कर लीजिए कहाँ कहाँ कितना नंबर ऑफ लाइन होगा, इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए कि अगर इसको मैं बोलूँ कि ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, फिर ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, और यहाँ से है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक माना, एक इसको मान दिया, एक इसको माना और एक इसको माना, बोलो चार हो गया क्या। अब क्या करना है, नंबर ऑफ वायर्स को काउंट करना है। ये अगर आप समझ रहे हो तो वो आसानी से आप बना सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फोकस वायरिंग डायग्राम पर करना है। एक बार अगर आप सही तरीके से अरेंज्ड वे में वायरिंग डायग्राम बना लेते हो तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी और बहुत ही आसानी से आप उसे बना सकते हो। देखिए यहाँ जो आपका स्लॉट बना, ये जो पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट से इधर आपका कितना वायर है, दो वायर, एक और दो, बताओ नंबर ऑफ वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट से लेके स्विच बॉक्स तक में नंबर ऑफ वायर कितना रहा होगा, तो एक मेन से फेज आया और तीन लोड के लिए, तो नंबर ऑफ वायर कितना हो गया, चार, क्लियर। अब समझना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ वायर कितना, भैया ये तीन वायर फेज के लिए और एक न्यूट्रल, इसको आप बना लीजिए 1 2 3 4, है ना। देखो ऐसा बनाने का मकसद मेरा है ताकि आप सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर पाओ,
ठीक है, बनाने के बाकी कनेक्शन आपको जिस तरह से करना है कर दो, कोई कनेक्शन सही होना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से बना रहे हो तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि हम कनेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ वायर्स जो है काउंट करने में आसानी होगा। ये फ़ैन को आप इधर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कनेक्शन सही बनाना बस। इस बल्ब को आप इधर कर लो, एक बल्ब यहाँ रख लो, एक फ़ैन इधर रख लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जहाँ आपको मन करे आप बना लो, बट देखने में एक सुसज्जित मतलब तरीके से होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे, समझे, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। आगे देखिएगा, फिर बात करते हैं इस पॉइंट से लेकर हम इस पॉइंट तक के बीच में कितना वायर गया। एक तो यहाँ से आया, मतलब एक दो और तीन, समझे बात को। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वायर कितना रहा होगा, एक दो तीन, यहाँ पे नंबर ऑफ वायर कितना, तीन। अब इस पे आए तो नंबर ऑफ वायर कितना, तीन। ठीक है, नंबर ऑफ वायर कितना, तीन। अब मैं बात करूँ इस पॉइंट से इधर, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना, दो। देखो एक चीज़ और आप समझ सकते हो, यहाँ पे डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम समझिएगा। अगर यहाँ पे चार आ रहा है तो उसका अगला वाला में तीन आएगा, उसके अगले वाला में दो आएगा, सब में नहीं होगा। अगर आप इस तरह से कनेक्शन बनाए हो तो उस तरह से आप देखोगे तो वैसा ही आएगा। आप जितना दो तीन क्वेश्चन बनाए हो, दो तीन क्वेश्चन किए हो ना, उस दो तीन क्वेश्चन को आप करके देखो एक बार, ठीक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चार, यहाँ तीन, तीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका तीन, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ दो, कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, सिक्वेंस बनता चला जाएगा। समझ में आई बात क्या? तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। अब देखिए हम लोग बनाते हैं क्या, सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम बनाने में तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को परेशानी हुई होगी। सिमेट्रिक डायग्राम देखो, एक फेज ले लिए और एक न्यूट्रल ले लिए, ये हमारा फेज, ये हमारा न्यूट्रल। बताओ भैया स्विच का संख्या कितना हो जाएगा, तीन बना लिए। चलिए इसको हम स्विच बना दिए कुछ इस तरह से। अब लोड कितना, दो, बल्ब, फैन, ये हमारा क्या हो गया, ये L1, ये F, ये L2, S1, S2, S3, इसको आप कर लीजिए SB। ठीक है, बाकी ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। समझे बात को, सेम क्या किए, स्विच लिए तीन, तीनों स्विच को हमने किससे कनेक्ट किया, फेज से। और फिर हमारा जो स्विच का तीनों का जो दूसरा एंड है उससे हमने क्या किया, लोड से कनेक्ट किया, एक को लैंप से, फैन से, फिर लैंप से। समझे बात को, फिर जो लास्ट एंड बचा हुआ था दो बल्ब का और एक फैन का, उसे हमने किससे कनेक्ट किया, न्यूट्रल से। समझे, चलिए इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर और भी है इसके बाद, बहुत सारा मिलेगा आपको कनेक्शन, बहुत सारा आपको मैं बनाने बताऊंगा। ठीक है, आप ऐसे कोशिश कीजिएगा और होप्स आप होमवर्क आप बना के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका होगा इस प्रकार से कि आपके पास दो बल्ब होगा और दो फैन होगा, आप कोशिश कीजिएगा। देखिए सेम है, करना क्या, बस लोड का संख्या हम बढ़ा दिए। ओके कि सर एक ही चीज़ लग रहा है, आप बनाइएगा एक बार तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आप किस प्रकार से बना सकते हो, समझे। तो क्या होगा, दो फैन और दो बल्ब, दो फैन और दो बल्ब कंट्रोलिंग बाय इंडिविजुअल स्विच। कहने का मतलब यहां पे आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, आपके पास दो फैन है, दो बल्ब है, और इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल स्विच, इंडिविजुअल स्विच, ये हो गया आपका। ठीक है, दो फैन दो बल्ब, इसको अलग अलग स्विच से, मतलब चार स्विच हो जाएगा। और इसमें क्या करना है आपको, वायरिंग डायग्राम बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है और सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम, क्लियर। आप बना करके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, बनाने का कोशिश कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगोगे, जब दो रूम आएगा और एक हॉल आएगा, मान लो एक किचन आ जाएगा, बाथरूम आ जाएगा, पूजा घर आ जाएगा, डाइनिंग हॉल आ जाएगा, कुछ इस तरह से बहुत सारे जब आने लगेंगे आपका घर का कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर आपको फिर समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से हम वायरिंग डायग्राम बना रहे हैं या किस प्रकार से हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। समझे बात को, तो बना लीजिएगा और बना के आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा। आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, ध्यान रहे आपको, सेव ट्रीज सेव लाइफ। एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, अपने दोस्तों को भी आप सलाह दीजिए कि वह भी एक पेड़ लगाए, वह भी अपने दोस्त को सलाह देंगे कि एक पेड़ लगाए। ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट है, इसलिए एक पेड़ ज़रूर लगाइए आप। ठीक है,
कहने का भी है कि सेव ट्रीज सेव लाइफ, अगर आप पेड़ को बचाते हैं तो आप अपने ज़िंदगी को भी सेफ रखते हैं, बचाते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।